सबसे पहला पॉइंट है ये सीने की जिस प्रकार से उन्होंने हमारा स्वागत किया है, जिस प्रकार से हाव भाव से लिया है, तो कभी भी मुख्यालय में कोई भी छोटा से बड़ा कर्मचारी अधिकारी आता है तो हम लोग संकल्प ले आ गया कि मैं भी इसी प्रकार से संकल्प लेके इनका सहयोग करूंगा। जितनी समय कम समय में दिखाना सुनाना सब बढ़िया अच्छे से स्वागत भोजन पानी, उसी प्रकार से हम भोजन नहीं दे सकते वहां तो भोजन न दे, लेकिन जब किसी काम के लिए जाए चाहे छोटे से बड़े से जितना बन सके तहे दिल से हर कर्मचारी संस्था का और या आने वाली जो टीम है उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि भाई इस प्रकार से संकल्प ले और कहीं बाहर से आ जाए। कर्मचारी से जुड़ा रहे और भाई है यहाँ फील्ड में वन में जंगल में ड्यूटी कर रहे हैं पर इनको कोई क्लेम है कुछ नहीं मिल रहा है तो यह हम इनको ज्ञान दे के हाई ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट क्लेम दे रही है जब कभी फोन से ऐसे भी पूछे तो वो बात है तो हमारे इनका परिचय हो हमारे परिवार के साथ में जुड़े ये हमें सबसे बड़ी कार्यशाला की उपलब्धि है। ये मान के शेष लेकिन साथ में हमें कुछ यहाँ से फीडबैक मिला यहाँ के कर्मचारियों को समय माप की पात्रता होते हुए अभी तक समय माप नहीं मिला, ये सबसे बड़ी चीज है और मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी रिक्वेस्ट करें सभी लोग हैं यहाँ पर भीड़ में बहुत हमको समय माप एक भी नहीं मिला। तो मैं ये सजेशन दिया हूँ कि जो फील्ड का कर्मचारी वाला छोटा पास मिला वो वास्तव में किसी भी अधिकारी से नहीं कह पा और कह देगा तो उसका ट्रांसफर यहाँ से कुनासा से हो जाएगा सजा मिल जाती है। तो सभी कल जीते नहीं थे आज सुन ले जो रिटायर हो गए तो सीएम हेल्पलाइन में आपको प्रकरण के निकाल से बहुत से लगा तभी सुनेंगे हम कहेंगे तभी नहीं सुनेंगे और जब तक वो उसको इतना साथ लेना कि जब तक संतुष्ट होंगे जब तक सपना समय मान के तब होने लगेंगे तो वो ये कहेंगे कि संतुष्ट नहीं हुआ मेरे साथ जी को भी होने तो ऐसा करके आप लोग बिल्कुल एक ग्रुप बनाओ तब समय मान के तब होना पैकेज योजना उसके अंतर्गत आगे थ्री क्लास फोर क्लास वाले को 9,000 रुपए थ्री क्लास वाले को 3,000 रुपए और फर्स्ट क्लास वाले को सेकंड क्लास वाले को 4,000 रुपए ये सुविधा भी यहाँ पर किसी को नहीं मिलती। शासन ने एक आदेश करा है मालूम है आपको ये बात सुन ले ध्यान से अरे एक शासन ने एक शासन ने निकाली है मार्च में नहीं करना है 10,000 रुपए का सामान खरीदना है 4,000 रुपए आपको वापस गवर्नमेंट और इसका पेमेंट होना है ऑनलाइन पेमेंट होना है उसकी ई पेमेंट की रसीद चाहिए और बिल चाहिए और कम से कम 12% जीएसटी कटा हुआ तुम्हारे ऑफिस भी मालूम होगा और 10 कस्टमर को बैठना है
ढूंढ के बनाओ उसका। कोई धारा है 27 अभी जो प्रमोशन होगा इसमें ले। हां जी साहब, कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं वो क्या कर रहा हूं समझ रहे हो ना, इधर बोले तो इधर, उधर बोले तो उधर। वो एक धारा है 1000 तो ऐसा ही हां परिवार में जुड़ी लागू होगा इससे बात। वो एक धारा है उसके अंतर्गत ग्रीन विभाग ने छूट ले लिया, इसलिए मतलब ग्रीन विभाग और अपना डिपार्टमेंट अभी तक नहीं है पदनाम दे रहे, इसलिए कर नहीं सकते। जब उस धारा में पहुंचे वल्ला वाला फाइल जाएगी, धारा को खुद मिले सब जाके उसकी मेरी चर्चा हुई लेना है, बताया कि वो धारा में छूट नहीं मिली अपने डिपार्टमेंट पुलिस विभाग ने मैनुअल चेंज कर दिया, उसमें प्रावधान कर दिया उसी धारा के अंतर्गत वो छूट ले, या कर्मचारियों को ये सुविधा दे सकते हैं अतिरिक्त सुविधा। और ये जो आप लोग ये करेंगे ना, ये कोई शिकायत नहीं है, ये आपका हक है, इसके लिए आप मांग कर सकते हैं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं भाई जान, भाई का सुनिए डरो नहीं है, कि एप्लीकेशन चली जाएगी, कि एप्लीकेशन के नाम से यहाँ आप फॉरवर्ड करेंगे जांच के लिए ना, इसका पहले ट्रांसफर हो। अरे डरेंगे तो क्या करें, तो सर 8 महीने तो 2000 का नुकसान हो रहा है वैसे भी, और ये कोई देगा नहीं, और उनसे बोलते हैं उनकी जो ज्यादा मिलती है उसे वसूली होगी, कोई नहीं सुनता। हेलो भाई, मेहमान को वसूली करो, उसमें सर कोई वसूली नहीं करता, क्योंकि हमारा 2000 का नुकसान हो रहा है। सर कह रहे हैं कहाँ बात के पास आई एप्लीकेशन, ये उसे मंत्रालय दिया और कोर्ट में कर रहे वो कुर्सी टूटी है, वो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से फारेस्ट से संबंधित जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।